जय हिंद दोस्तों। आज की डेट में दोस्तों फर्जी भर्तियां भी निकल रही है असली भर्तियों के साथ साथ, तो कैसे पता करें कि वो फर्जी भर्ती है या ओरिजिनल भर्ती? क्योंकि दोस्तों वैसे ही ट्रेन नहीं चल रही है, आवागमन की प्रॉब्लम हो रही है। आप अगर उस लोकेशन पे पहुंचते हैं और वहां पे भर्ती नहीं निकलती है तो बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। तो दोस्तों आज हम बताएंगे आपको कि कैसे पता करें फर्जी भर्ती है या असली भर्ती है, कैसे पता करना है। दोस्तों ये सब चीज़ रिलेशन वालों के लिए भी अप्लाई होती है और ओपन रैली भर्ती देखने वाले बच्चों के लिए भी अप्लाई होती है। तो हम सारे तरीके आपको बताएंगे, उसके जरिए आप पता लगा सकते हैं कि ये जो भर्ती है ओरिजिनल है या फिर डुप्लीकेट है, या चार्ट जो है ओरिजिनल सर्कुलेट हो रहा है या फिर डुप्लीकेट। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को शुरू करते हैं। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबा लीजिए ताकि आपको रैली भर्तियों के अपडेट मिल सकें टाइम टू टाइम और सटीक तरीके से। दोस्तों आपको पहले बता देते हैं कि इस टाइप से जो है आपको हम प्रोवाइड करवाएंगे, जिसमें आपको वहाँ के मोबाइल नंबर भी, कॉन्टैक्ट नंबर लिखे हुए होंगे, वहाँ का एड्रेस लिखा हुआ होगा, ईमेल एड्रेस लिखा हुआ होगा, आप वहाँ पे जाके पता कर सकते हैं। साथ में वहाँ का लोकेशन, तो हर एक ARO BRO यानी कि आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस जो होते हैं उनको ARO बोलते हैं, और ZRO यानी कि जोनल रिक्रूटमेंट ऑफिस जिनके अंदर ARO आते हैं, तो वहाँ के सभी एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, जिसके जरिए आप पता कर पाएंगे दोस्तों कि ये ओरिजिनल है कि नहीं है। सेम इसी प्रकार से दोस्तों ये कानपुर की एक रैली भर्ती है जो कि अभी सर्कुलेट हो रही है सोशल मीडिया पे, जिसका बताया जा रहा है कि 4 से 21 मार्च 2021 तक होगा, और ये जो है दोस्तों ARO लखनऊ के अंदर में आता है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको बता देते हैं कि ये जो भर्ती है ये फर्जी भर्ती का नोटिफिकेशन सर्कुलेट हो रहा है, क्योंकि इसका न्यूज़पेपर में भी आया हुआ है कि सेना में फर्जी भर्ती निकालकर फर्जीवाड़े की साजिश, लखनऊ सहित 13 जिलों में अभ्यर्थी निशाने पर। दोस्तों ये जो फर्जी भर्तियां हैं इससे क्या होता है कि जो एजेंट होते हैं, जो दलाल होते हैं, वो इसका फायदा उठाते हैं किसी भी दूसरी तरीके से, और कुछ भी जानकारी ऑनलाइन आप लोगों से उठा सकते हैं। तो अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट किसी के साथ शेयर मत कीजिए। और बता देते हैं दोस्तों कि ओरिजिनल भर्ती को कैसे पता करें कि ये भर्ती ओरिजिनल है या डुप्लीकेट या फर्जी भर्ती है। तो आपको जाना है दोस्तों ज्वाइन इंडियन आर्मी की ओरिजिनल जो वेबसाइट है, joinindianarmy.nic.in, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है। यहाँ पे आपको सबसे पहला पॉइंट आपको चेक करना है लेटेस्ट रैली JCO OR के अंदर, ठीक है, JCO/OR यानी अदर रैंक्स। यहाँ पे आपको दोस्तों सारे नोटिफिकेशन मिल जाएंगे, उनको डाउनलोड कीजिए। अगर यहाँ पे अवेलेबल है तो यानी ओपन रैली भर्ती यहाँ पे है। अभी बात रहती है रिलेशन वालों के लिए, तो उसके लिए भी हम बताने वाले हैं कि कैसे पता करेंगे। तो दोस्तों आप अगर ओपन देख रहे हो या रिलेशन, दोनों के लिए आपको जाना है JCO/OR सेक्शन में। आप देख सकते हैं यहाँ पे JCO/OR सेक्शन के अंदर और जोनल रिक्रूटमेंट ऑफिस सेकेंड पॉइंट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद में आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा जोनल रिक्रूटमेंट ऑफिस का। जोनल रिक्रूटमेंट ऑफिस के अंदर दोस्तों बहुत सारे आपको ZRO मिलेंगे, और इन ZRO के अंदर आते हैं सभी ARO यानी आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस। तो इन ZRO में आपका जिसके भी अंदर आता है, जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं लखनऊ का, तो दोस्तों लखनऊ के ऊपर आपने क्लिक करना है तो आपके सामने यहाँ का सारे ARO खुल जाएंगे। ARO यानी आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस या फिर हेडक्वार्टर रिक्रूटमेंट जोनल, तो आपके सामने सब कुछ यहाँ पे खुल जाएगा, और वहाँ के टेलीफोन नंबर, ईमेल और वहाँ का एड्रेस आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों जो भी आपके नजदीक में पड़ रहा है ARO, वहाँ पे आपको जाना है और पता करना है कि ये जो नोटिफिकेशन हम देख रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, ये फर्जी है या ओरिजिनल है, ये आप यहाँ से पता कर पाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों आप कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं, जो नंबर दिए हैं कॉन्टेक्ट करें। अगर कॉन्टेक्ट नहीं हो पा रहा है किसी वजह से तो आप वहाँ पे जाके पता करें कि ये जो नोटिफिकेशन है असली या नकली, वो वहाँ से आपको क्लियर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। दूसरा ऑप्शन आपको बताते हैं दोस्तों, आपको जाना है अपना जिला सैनिक बोर्ड, जो कि हर जिले में होता है, वहां पे आपको जाके पता करना है रिलेशन सर्टिफिकेट, क्योंकि रिलेशन भर्तियां तो वेबसाइट के ऊपर अपलोड नहीं होती है, वो सीधे ऑफिस रिकॉर्ड ऑफिस से आती है और सर्कुलेट होती है सोशल मीडिया के थ्रू सर्कुलेट होती है। तो दोस्तों आपको जिला सैनिक बोर्ड से इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी ओपन और रिलेशन दोनों भर्तियों के लिए, वहाँ से आप पता कर पाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों आपके पिताजी फौज में होंगे या भाई फौज में होगा, तो पेरेंट यूनिट जिस यूनिट से भर्ती खुली है वहाँ के यूनिट से आप वो पता कर सकते हैं, उनके जरिए आप पता कर सकते हैं। दूसरा है दोस्तों एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर, जो कि वीकली वीकली एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर आते हैं दोस्तों हिंदी और इंग्लिश में, उसके जरिए आप पता कर सकते हैं, उसमें भी जो है इन्फॉर्मेशन आती है। इसके बाद दोस्तों जैसा मैंने बताया नज़दीकी ARO BRO या फिर RO यानी कि आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस जो होते हैं, वहां पे आपको जाना है और पता कर लेना है। वहां पे आपको 100% सटीक जानकारी प्राप्त हो जाएगी। इससे अच्छा कि आप दूसरी जगह जाएं भर्ती देखने के लिए और वहां भर्ती ना निकले, उससे अच्छा आपको यहां पे जाके पता कर लेना है। तो दोस्तों ये सारे तरीके हैं जिसके जरिए आप पता कर पाएंगे कि भर्ती ओरिजिनल है कि नहीं। बाकी हम आपके साथ में हैं दोस्तों, भर्ती अगर जिस भी प्रकार से खुलती है हम आपको बता देते हैं, और साथ में इंफॉर्मेशन भी देते हैं कि आपको जिला सैनिक बोर्ड में जाके पता करना चाहिए। इसी टाइप की इंफॉर्मेशन पाना है तो प्लीज यार सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube
यूट्यूब चैनल को और जो है नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में इन्फॉर्मेशन। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।